हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं भोला के साथ आ रही एक तेलुगु मूवी दसरा की, जिसका ट्रेलर मैं देखा और भाई मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या सही ट्रेलर है यार। तो आइए आज इस ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लग जाए तो एक लाइक कर देना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये मूवी एक तेलुगु मूवी है जहाँ से क्या क्या बवाल चीज आया है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। मूवी के लीड रोल में नानी है जिनकी अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है और इसलिए ये एक निगेटिव कैरेक्टर करने वाले हैं जो कि पुष्पा की वाइब जरूर देता है। और मूवी का टोन और वाइब भी पुष्पा के जैसा नहीं है। ट्रेलर में नानी का लुक भी पुष्पा से मैच करता है जो मेरे ख्याल से सबको दिखा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिएटर्स ने पुष्पा का कॉपी किया है, बट पुष्पा से इंस्पायर्ड तो हुए ही है, क्योंकि पुष्पा एक ऐसी मूवी थी जो कि सूखे मौसम में बरसात की तरह आई थी। और अल्लू अर्जुन ने उस कैरेक्टर में क्या ही बवाल मचाया था ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। हमें तो पुष्पा 2 का इंतजार था लेकिन हमें अब दसरा देखने को मिल गया। अभी तो ट्रेलर को देख के स्टोरी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बट इस मूवी का कंपैरिजन भाई पुष्पा के साथ ऑलरेडी होने लगा है। भले ही दोनों मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही अलग हो। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर में हमें नानी एक खतरनाक लुक में देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा टेढ़े दिमाग का आदमी है। उससे भिड़ना सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। मूवी में लात घुसी और चाकू तलवार से बहुत तोड़फोड़ और चीरफाड़ होने वाला है। ट्रेलर का डार्क टोन में होना मेरे लिए तो देखो भाई मजेदार है, लेकिन बहुत लोगों को ये डार्क टोन सही नहीं लगता। तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर एक दानों को दिखाना है तो टोन तो डार्क ही ना होगा मेरे भाई। पुष्पा में रश्मिका थी जिन्होंने अपने अदाओं से लोगों को घायल किया था, वैसे ही इसमें कीर्ति है जो कि नानी के साथ छाने वाली है। ट्रेलर की बात कर रहे तो बीजीएम की बात कैसे नहीं करेंगे भाई। ट्रेलर का बीजीएम भाई नेक्स्ट लेवल था। ये चीज ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैन इंडिया मास मसाला मूवी के लिए, और उसमें भी ये सही खेल रहे हैं। ओवरऑल बोलूं तो ट्रेलर को देख के हाइप तो बनी है। अभी 30 मार्च को गेम में कौन जीतने वाला है इसका पता तो भाई उसी दिन चलेगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आप कौन सी मूवी सबसे पहले देखने जाओगे, भोला या दसरा, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे चैनल ग्रो होने में थोड़ा सपोर्ट मिले। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।